नमस्कार दोस्तों, कोरिडोर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक न्यू टूल, लाइव स्केच टूल। ओके, जैसे हम फ्री हैंड यूज करते हैं तो फ्री हैंड में से ज़्यादा थोड़ी और फैसिलिटी, थोड़ी और हमें ड्राइंग में जो ज़्यादा हेल्प करता है वो है लाइव स्केच टूल। अगर आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है तो आप डायरेक्टली फ्री हैंड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको कर्व्स वगैरह बहुत फाइन नहीं आते हैं फ्री हैंड से तो आप लाइव स्केच यूज़ कर सकते हैं। चलिए, जैसे आज हम बनाते हैं मैंगो, उसके पहले लाइव स्केच वर्क कैसे करता है वो देखते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा कुछ कर्व ड्रॉ किया, तो ये देखिए एक कर्व ड्रॉ हो गया लाइव स्केच से। हम इसकी विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से हमने वेट ली इसकी 0.75। ओके, और यहाँ पे एक टाइमर लगा हुआ होता है। जब हम ड्रॉ करते हैं तो जो ये जो ब्लू लाइन आ रही है हमारा पाथ है, और जब हम माउस का क्लिक को रिलीज कर देंगे तब वो ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर वो कन्वर्ट हो रही है, इसको हम बोलते हैं टाइमर। और यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं टाइम, जैसे अभी यहाँ पे हमने दिया 5 सेकंड, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी 5 सेकंड के बाद होगी। ओके, तो टाइम थोड़ा हम कम ही रखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दिया 2 सेकंड्स या 1 सेकंड रखाएगा तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंक्लूड कर। जैसे ये वाला कर है, इसके अंदर हमें और कोई कर इंक्लूड करना है तो इसको हम ऑन करेंगे, तो यहाँ पे ही और एक कर इंक्लूड हो जाएगा। ये देखिए, इसको हम ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं। ओके, तो ऐसे आप इसको कलेक्शन कर सकते हैं। इस टाइप से, और यहाँ पे हम पिक्सल भी दे सकते हैं, कितना पिक्सल चाहिए हमें। हम पिक्सल कम ज़्यादा करके उसका स्मूथनेस चेक कर सकते हैं कर का। उसके बाद यहाँ पे होता है क्रिएट सिंगल कर। जैसे यहाँ पे हमने ये सिंगल कर हुआ, और यहाँ पे होता है कर स्मूथिंग। अभी जैसे हमने स्मूथिंग उसकी 0 कर दी डायरेक्टली, तो देखिए जैसे अभी यहाँ पे स्मूथिंग नहीं आएगी, या फिर ऐसे भी हम करेंगे तो इतनी फाइन नहीं आएगी, ये देखिए। और अभी हम स्मूथिंग यहाँ पे बढ़ाते हैं और फिर से सेम कर्व ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये और स्मूथिंग में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो इस टाइप से कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम बाउंडिंग बॉक्स भी यहाँ पे बना सकते हैं, जिससे आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, या फिर हमने मिडल के ऊपर क्लिक किया तो इसको इस सेंटर से हम रोटेट भी कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है प्रीव्यू मोड। जैसे हमने जब ड्रॉ किया तो ड्रॉ करने के बाद हमने कैसे पाथ ड्रॉ किया था वो पाथ भी यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो इस टाइप से हम यूज़ करते हैं इसका। चलो पहले हम कुछ सिंपल सा ड्राइंग बना के देखते हैं। इसको हमने रिमूव किया, फिर से हमने लिया लाइव स्केच, इसका शॉर्टकट की है एस, शिफ्ट एस। इसमें स्मूथिंग और हम बढ़ा देते थोड़ी, सॉरी वेट बढ़ा देते लाइन की, और इसके ऊपर हम चाहिए तो शिफ्ट टूल भी यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा नोड से वो हम हटा भी सकते हैं और एडिटिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी फिर से हमें यहाँ पे और कुछ ऐड करना है लाइव स्केच। यहाँ पे एम में निकाल देती हूँ। फिर से हमने यहाँ पे शेप टूल लिया, और मुझे अभी यहाँ पे एक नोड चाहिए और यहाँ पे एक नोड चाहिए, और बाकी नोड नहीं चाहिए तो हम शेप टूल से सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे।
और यहाँ पे दोनों साइड से नोड चेंज हो रहा है, तो ऐसे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम करेंगे कप्स नोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे कप्स नोड और इस टाइप से ये आ जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पे भी हमें कप्स नोड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम कर देते हैं कप्स नोड। जो एस्ट्रो नोड से वो निकाल दीजिए, यहाँ पे भी हम कर देते हैं कप्स नोड। ये देखिए इस टाइप से आप कोई भी ड्राइंग बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं लाइव स्केच से, बहुत ज़्यादा आपको इजी जाएगा। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप न्यू यूज़ करते हैं तो उसकी थोड़ी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, तभी आपको परफेक्ट में परफेक्ट आ जाएगी। और इसको फिर आप लोग चाहे तो टेक्चर फिल कीजिए, पैटर्न फिल कीजिए, आपको जो चाहिए आप इसके साथ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिल टूल के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे हम पैटर्न फिल कर सकते हैं, टेक्सचर फिल कर सकते हैं, अलग अलग कलर के शेड फिल कर सकते हैं। ओके, जैसे आपको चाहिए वैसे आप कर सकते हैं, या फिर अलग अलग लॉजिक भी आप आपका लगा सकते हैं। यहाँ पे जो अच्छे से पैटर्न मैच होगा वो ले लीजिए, अभी मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा हम अगर चॉइस करने बैठ जाएंगे तो। और आप लोगों को पता है कि वैसे भी लेडीज़ों को जल्दी से चॉइस नहीं होता है। ओके, और इसको हम बोलेंगे राइट क्लिक करके बैक ऑफ द पेज। तो ऐसे आप लाइव स्केच से बहुत इजीली ड्राइंग बना सकते हैं। अभी मैंने इसको थोड़ा बाजू में रखा, और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका यूज करके हम बहुत इजीली मैंगो बना सकते हैं, तो वैसे बनाएंगे हम। चलिए लाइव स्केच, ये देखिए बहुत इजीली बन जाएगा। अभी इसको हमें चेंजेस करना पड़ेगा, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे स्टार्ट करेंगे वहीं पे एंड कीजिए, ठीक है। वी शिफ्ट टूल का यूज करके हम अननेसेसरी नोड जो है वो हटा देंगे। और यहाँ पे भी आप डिसाइड कीजिए, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक नोड चाहिए और यहाँ पे एक नोड चाहिए, और जो एक्स्ट्रा नोड से वो नहीं चाहिए हमें, तो हमने निकाल दिए। और उसके बाद यहाँ पे भी हम ये वाला भी निकाला तो भी चलेगा, लेकिन ठीक से देखिए, बहुत इजीली हम कर सकते हैं। जितना हम कम नोट्स रखेंगे उतना हमारी ड्राइंग जो है स्मूथ स्मूथ दिखाई देगी। और यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे करना पड़ेगा कप्स नोड, अभी आएगा ठीक से। एक क्रॉस हो गई लाइन, ये देखिए अभी हम ठीक से इसको बनाते हैं। इसको हम थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं, और जितना स्मूथ बना सकते हैं उतना स्मूथ बनाइए। ये देखिए, ओके, अभी हम इसको कलर फिल करेंगे। उसके लिए हम लेंगे यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टू और शेडिंग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए समथिंग ग्रीन का शेड लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम लेते हैं थोड़ा ऑरेंज वाला शेड।
ओके ये देखिए, ऐसे बहुत ही चीज़ें हमने मैंगो क्रिएट कर दिया लाइट स्केच से। लेकिन जैसे मैंने बोला है कि प्रैक्टिस जरूरी है। ओके अभी इसको यहाँ पे हम कुछ लिप बनाएंगे और यहाँ पे उसके पत्ते हम क्रिएट करेंगे। ऐसे हमने यहाँ पे एक बना दिया, ये वाला ऑफ कीजिए, मुझे यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है, अलग बनाना है। देखिए ये वाला ऑफ किया इसलिए उसने उसको ज्वाइन नहीं किया। ठीक है ओके, अभी हम इसका लूज बनाते हैं। तो उसके लिए हम लाइट स्केच का यूज करेंगे फिर से। या पेस्ट और नोट्स निकाल देंगे, जितना कम नोट्स रखेंगे उतना वो स्मूथ आएगा। क्रॉस हो गया, ऐसा होने के बाद फिर से हम करेंगे यहाँ पे कप्स नोट। इस टाइप से इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको भी हम शेड कर सकते हैं क्रिएट। यहाँ पे को थोड़ा हम डार्क कलर लेंगे जो उसका, और यहाँ पे थोड़ा सा येलोइश लेते हैं। यहाँ पे जाइए, ये वाला भी हमें और डार्क चाहिए। तो ब्लैक भी नहीं लगना चाहिए। इस टाइप से हम मैंगो का ले सकते हैं। और इसके ऊपर और आपको डिटेलिंग दिखानी है, इसके पहले मैं इसका आउटलाइन जो है वो नन कर देती हूँ, और इसका भी आउटलाइन जो है हम नन कर देते हैं। और इसमें और डिटेलिंग दिखानी है तो हम फ्री हैंड भी यूज कर सकते हैं। इसको हम काफी थीम बनाते हैं, एकदम हेडलाइन लेते हैं। आपको चाहिए तो आप इसका कलर भी अलग दे सकते हैं, और थोड़ी सी नेचुरली रखते हैं, एकदम हमें बहुत ज़्यादा स्मूथ भी नहीं बनानी है। इस टाइप से हम बना सकते हैं। ओके और ये सारी लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देंगे हेडलाइन, इसको भी सिलेक्ट करते हैं हेडलाइन। इस टाइप से हम बना सकते हैं। लाइट स्केच का यूज करके बहुत ही इजीली ड्राइंग हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके तो आप ट्राई कीजिए, अलग अलग ड्राइंग बहुत ही इजी जाएगा। ट्यूटोरियल वॉच करने के लिए धन्यवाद, अभी मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।